क्यों अलग हो गए सचिन और सारा, क्यों टूट गया सचिन सारा का बंधन, मशहूर लव स्टोरी का कैसे हो गया दी एंड, साल 2014 में ही अलग हो गए थे सचिन सारा। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति के गलियारों में किसी की लव स्टोरी की बात होती है तो अब तक सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला का नाम जहन में सबसे पहले आता है। सचिन सारा की लव स्टोरी के कई किस्से आज भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन हैरानी तब हुई जब सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके हल्फनामे में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोग असमंजस में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि कई सालों से ना तो ऐसी कोई खबर सुनने में आई थी और ना ही ऐसा किसी ने सोचा था। सचिन पायलट ने अपने नामांकन पत्र में साफ साफ लिखा है कि वो तलाकशुदा हैं। लोगों के लिए ये खबर शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि 19 साल पहले दोनों ने शादी करने के लिए बड़े पापड़ बेले थे। इतना ही नहीं, शादी के लिए घर तक छोड़ने की नौबत आ गई थी। शादी की चर्चा आज भी सियासी गलियारों में होती है और दोनों को बेहद प्यारा कपल कम से कम अब तक तो कहा ही जाता था। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला करीब 19 साल पहले 15 जनवरी 2004 को वैवाहिक बंधन में बंधे थे। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। सचिन पायलट ने डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आर्यन पायलट और विहान पायलट के नाम रखे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम के आगे सारा पायलट का नाम लिखा था, जबकि इस बार पत्नी के नाम के कॉलम के आगे उन्होंने तलाकशुदा लिखा है। आज भले ही दोनों ने तलाक ले लिया हो, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का होने के लिए बड़े पापड़ बेले थे। दरअसल सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। सारा और सचिन एक टीवी प्रोग्राम में अपनी शादी को लेकर खुलकर उन्होंने बात की थी। सारा ने कहा था कि सचिन और उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना रिश्ते थे, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और शादी से 3-4 साल पहले दोनों लंदन में पढ़ते थे और दोनों की मुलाकात लंदन में ही एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी। बताया जाता है दोनों एक मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन तब सचिन पायलट लंदन में पढ़ाई पूरी करके भारत आ गए थे और सारा लंदन में ही पढ़ाई कर रही थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और लगभग 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में परिवार को बताने का फैसला किया, तो परिवार वाले इस बात को सुनकर भड़क गए। दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सचिन और सारा ने एक दूसरे के होने का फैसला ले लिया था। दोनों के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने 15 जनवरी 2004 को शादी कर ली थी। आपको बता दें कि शादी समारोह में लोग कम थे और सुरक्षा ज्यादा। इनकी शादी में सारा के परिवार से कोई भी नहीं आया था। हालांकि शादी के कुछ साल बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अब सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में टोंक सीट से अपना जब नॉमिनेशन लेटर दाखिल किया तो सब हैरान रह गए। आपको बताएं तो सचिन पायलट ने अपना पहला लोकसभा चुनाव दौसा से लड़ा था। दौसा से चुनाव जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे थे। वो पायलट ही थे जो बेहद कम उम्र में केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की राजनीतिक विरासत को संभाला है। सचिन राजनीति में तेजी से उभरे और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों में शुमार हो गए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के करीब 7 साल तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके अध्यक्ष काल में कांग्रेस पिछली बार सत्ता में लौटी थी। आप लोगों को सचिन सारा पर हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।